तो है, हम इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। ढुल्लू जी, आज क्या कुछ मुद्दे हैं, क्योंकि मैं देख रहा हूं आपके पार्टी के विधायक आज विधि व्यवस्था को लेकर यहां पर बैठे हैं। तो पूरे राज्य का विधि व्यवस्था चौपट है। विधि व्यवस्था नाम का कोई चीज रह ही गया क्या? प्रत्येक दिन हत्या, मर्डर। आप धनबाद में, हम तो खास करके धनबाद क्षेत्र से, कोयलांचल क्षेत्र से आते हैं, वो ऐसा दिन नहीं है कि जहाँ पे मर्डर नहीं हो रहा है। अगर इस दावा को अगर गलत ठहरा सकता तो ठहरावे, इसका तो आंकड़ा निकाले। सरकारी आंकड़ा तो होगा सरकार के पास, सरकार के पास सारा सरकारी आंकड़ा होगा। एक प्रत्येक दिन मर्डर। वर्चस्व की लड़ाई देखी जाती है, हालांकि देखिए आपके भी गुट का नाम आता है। कोई वर्चस्व की लड़ाई नहीं, बताइए कौन वर्चस्व की लड़ाई है? अगले के जो अवैध खनन होते हैं आपके क्षेत्र में। अवैध खनन तो ये भाई मुख्यमंत्री के नेतृत्व में हो रहा है ना। अवैध खनन अगर सरकार चाह ले अवैध खनन हो जाएगा, बताइए। अवैध खनन तो सरकार के नेतृत्व में हो रहा है, हजारों लोगों का जान जा चुका अवैध माइनिंग के दौरान। इसका भी जांच जिस एजेंसी से करवाना करवावे। देखिए, सत दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। हमारे क्षेत्र में 4 लोगों को गोली मार दिया गया कोयला चोरी के दौरान। इस पर मुख्यमंत्री का उसका भी जांच करवावे। जब तक जिला राज्य प्रशासन अगर नहीं उसमें हस्तक्षेप कर, नहीं उसमें शामिल हो, तो क्या चोरी हो सकता है क्या? आज विधि व्यवस्था को लेकर आप लोग सरकार से जवाब मांगे हैं क्या? निश्चित तौर पर जवाब मांगना क्या, इसको इस्तीफा मांगेंगे। ये सरकार के लायक नहीं है, ये सरकार चलाने के लायक नहीं है। बिल्कुल, देखिए कोडरमा की विधायक नीरा यादव यहाँ पर पहुंच चुकी हैं। अब इनसे ही बात करने की कोशिश करेंगे। मैडम, आज विधि व्यवस्था को लेकर आपके पार्टी के विधायक बैठे हुए हैं, क्या कुछ मुद्दा होगा आज सदन के अंदर? देखिए, बहुत कुछ कहने की जरूरत तो है नहीं। जो इस स्थिति में आप देख रहे हैं कि झारखंड की विधि व्यवस्था बिल्कुल चौपट हो गई है, इससे यही हम कह सकते हैं कि ये सरकार हर मामले में फेल है। और इसलिए सरकार को जगाने के लिए जनता की आवाज़ बन करके हम यहाँ पर आते हैं, और इसलिए हमारा विरोध प्रदर्शन। मैडम, सवाल ये कि छोटा सत्र आज चौथा दिन है, कल लास्ट है, जो मुद्दे हैं जनहित के मुद्दे हैं, आप भी अपने क्षेत्र के मुद्दे को लेके आते हैं लेकिन उठ नहीं पाती है, तो कैसे जाएंगे जनता के बीच में? जनता के मुद्दे तो हम उठा रहे हैं, 4 बजे सुबह भी हम आकर। क्षेत्र की अगर हम बात करें, क्षेत्र में तो और भी मुद्दे होते हैं। क्षेत्र की ही सारे मुद्दे को हम लाते हैं और क्षेत्र की मुद्दों को हम यहाँ पर रखने का काम करते हैं। बात यहाँ पर ये है कि जनता भेजती है, पूछती है कि हम लोगों के लिए आप क्या किए, तो मुद्दे भी उठाते हैं और उनके हक, उनके अधिकार की लड़ाई के लिए भी हम यहाँ पर लड़ाई का काम करते हैं। सदन में क्या कुछ रुख होगा आज? आप हम लोग तो चाहेंगे कि जो प्रश्न डालें उसका अच्छे से जवाब दें। आप देख रहे हैं हमारा 2-2 प्रश्न आया, कल भी जवाब नहीं आया, बाद में जब बोले तो एक फाड़ करके किसी तरह मिला, बोले कि एक प्रश्न का उत्तर हम देखते हैं। तो कहीं ना कहीं ये माननीय मंत्रीगण तो जवाब भी देने से कतरा रहे हैं। ये लोग चाहते हैं कि सत्र नहीं चले। आप देखे होंगे कल जब हम लोग शांतिपूर्वक चला रहे थे तो पीछे से वो सत्ताधारी वाले उधर से हल्ला करने लगे थे। तो ये चाहते हैं कि किसी न किसी साजिश के तहत ये सदन नहीं चले, लेकिन हम लोग सदन चलाने के लिए हर संभव मदद कर रहे हैं और हम सदन को चलाएंगे। लंबोदर जी हैं आसू के विधायक, इनसे बात करते हैं। लंबोदर जी, क्या कुछ मुद्दे होंगे आज, क्योंकि आप बीजेपी के सहयोगी पार्टी हैं? देखिए निश्चित रूप से मुद्दे ही मुद्दे हैं। आप देख लीजिए कि जो शिक्षित बेरोजगारों के बीच में हताशा निराशा की स्थिति बनी है, और सड़क पर उतर कर आंदोलन करने को बद्ध है, और सरकार उतनी ही संवेदनहीन बनी हुई है। तो निश्चित रूप से राज्य के शिक्षित बेरोजगारों के हित में जो भी उच्च न्यायालय द्वारा जो नियोजन नीति को रद्द कर दिया गया है, इस दिशा में सरकार को शीघ्र कार्रवाई करना चाहिए और शिक्षित बेरोजगारों को उनका हक, अधिकार और न्याय देने की दिशा में तुरंत कार्रवाई करना चाहिए, ऐसा निश्चित रूप से सरकार को ऐसा करना। देखिए,